शहर की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की ओर एक कदम और बढ़ाने जा रही है। हल्द्वानी के 132 स्थानों पर 200 IP20 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सभी कैमरे स्पीकर से लैस होंगे। सड़क पर वाहन खड़ा करने वालों की निगरानी इन्हीं कैमरों से होगी। SSP पंकज भट्ट ने बताया, हल्द्वानी शहर के 7 बॉर्डर एरिया को CCTV कैमरे से लैस किया जाएगा, जिसमें नाइट विजन से लेकर सेंसर युक्त कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगी, ताकि कैमरे के आसपास खड़े लोगों की बातचीत को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसमें आधुनिक डिवाइस भी लगे होंगे, क्योंकि पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं को खोलने में CCTV की काफी मदद मिली थी। ऐसे में नगर निगम ने पुलिस को 40 लाख रुपए का बजट देने की घोषणा की गई थी। बजट मिलते ही हल्द्वानी के बहुउद्देशीय भवन में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। आधुनिक CCTV लगने से आपराधिक घटनाओं में लगाम लगाने में कारगर साबित होगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखा गया है कि पिछले विगत कुछ दिनों में जितने केसों का खुलासा हुआ, उसमें CCTV की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ट्रैफिक संचालन में भी इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हल्द्वानी शहर को पूरा कवर करने के लिए प्लान बन रहा है, जिसमें लगभग 200 CCTV प्रपोज्ड हैं और इस पर हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसमें सारे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको कवर किया जा रहा है और साथ में बॉर्डर एरिया भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं।